एक पीड़ित औरत जिसने शिकायत की 16-11 नूं कि सिमरजीत सिंह बैंस ते उसके साथियों ने उन्हें एक हालात का मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसका शारीरिक शोषण किया, जबर जनाह किया। अज अदालत ने एक बड़ी अहम जजमेंट देके पुलिस नूं बड़े कड़े शब्दों के नाल इस कंप्लेंट नूं फस्ट इनफॉर्मेशन मानते हुए ये FIR रजिस्टर करन दे आदेश दे दिते हैं ते पुलिस तो कार्रवाई की रिपोर्ट मंगी है। मैनू बहुत बहुत खुशी हुई है सर, नालों नाल कार्रवाई होनी चाहिए इस बंदे नूं, नहीं तो मैं गर्दन तो पकड़ के मैं लेके आऊँगी इनू बाहर। इन्हें तो मैंने सड़क पर बिठाया से, हुण इनू मैं सड़क पर बिठाउणा है। लुधियाना च पिछले दिन सिमरजीत सिंह बैंस उपर एक औरत ने बलात्कार करन दे इल्जाम लगाए से। हालांकि सिमरजीत बैंस ने औरत वालों लाए गए बलात्कार दे इल्जामां नूं सियासत तो प्रेरित दस्या सी, पर उत्थे ही हुण लुधियाना दे स्थानक अदालत ने औरत नाल जबर जनाह करन दे एक मामले च लोक इंसाफ पार्टी दे मुखी सिमरजीत बैंस अते होरना खिलाफ केस दर्ज करन दे हुक्म दे दित्ते ने। इस संबंधी वकील हरीश राय टांडा ने कहा कि अदालत वालों हुक्मां दी कापी थाना डिवीजन नंबर 6 विच भेज दित्ती गई है अते पुलिस नूं तुरंत बैंस खिलाफ केस दर्ज करन दी गल आखी गई है। अज एक बहुत बड़ी खबर है, एक पीड़ित औरत जिसने शिकायत की 16-11 नूं कि सिमरजीत सिंह बैंस ते उसके साथियों ने उन्हें एक हालात का मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसका शारीरिक शोषण किया, जबर जनाह किया, जिसकी मदद भारत भूषण आशु मंत्री खुलेआम करते हुए 7 महीने हो गए उससे FIR नहीं हो दिती। उसके नाल शरेआम धक्के किए गए, उसके पिता जी के स्कूटर के विच कार मरवा के उन्होंने सट्टा मरवाइया। इस औरत नूं नजायज गलत अश्लील मैसेज भेज के इनू तंग करन की कोशिश की गई। इहदे मुंडे ते कबूतरबाजी का केस रजिस्टर की कंप्लेंट की गई। यही नहीं, इनू भी डराया गया ते मैं इहदी मदद करदा सी, मैनू भी डराया गया। मेरे ते इस भारत भूषण आशु ने एक संदीप गोयल SSP जिहड़ा रजिंदर नौरचंद जी का बेटा जिहड़ा ट्राइडेंट का मालक है उहदे रेस्ट हाउस दे विच रहिंदा SSP उहदे टुक खांदा है, उहदे थ्रू मेरे ते इक ते मेरे परिवार के मैंबरस ते मेरे पार्टनरस ते चोरी का केस रजिस्टर कराया। मैनू रेपिस्ट दस्या गया, मेरे ते इल्जाम ला के प्रेस कॉन्फ्रेंसां कीतियां गईयां, मैनू जलील करन की कोशिश की गई कि मैं डर जावां भज जावां। यह कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे राज दे विच कैप्टन साहब नूं भी दरखास्त देण दे बावजूद कैप्टन साहब ने भी इस दे विच इंसाफ दे के बहुत बड़ा अनर्थ किया, कि इंसाफ नहीं दिता। अज अदालत ने एक बड़ी अहम जजमेंट दे के पुलिस नूं बड़े कड़े शब्दों के नाल इस कंप्लेंट नूं फस्ट इनफॉर्मेशन मानते हुए ये FIR रजिस्टर करन दे आदेश दे दिते हैं ते पुलिस तो कार्रवाई की रिपोर्ट मंगी है। मैनू बहुत बहुत खुशी हुई है कि इस देश दे विच कानून जिउंदा है, कानून जागदा है, बावजूद कि जिहड़े लोग ताकतवर कुर्सियां ते बैठे हैं वह कानून दीआं तज्जियां उड़ाते हैं, पर अदालतां फिर भी एक दीवार का रूप बन के एक ढाल बन के इस विक्टम की मदद लिए आई हैं। बहुत बहुत खुशी हुई है ते उम्मीद रखना है कि आने वाले समय च इहदी इन्वेस्टिगेशन दे भी आदेश हाई कोर्ट तो लवांगे ताकि सही ढंग नाल इन्वेस्टिगेशन हो सके। जिन्ना एविडेंस इन्होंने नष्ट करन दे विच पुलिस ने भूमिका निभाई है उहदा जित्थों किते जो एविडेंस लभदा है वह लभ के जल्द तो जल्द चलान कोर्ट च दे के मुलजमान सलाखां दे पिछे भजवाया जावे। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर दूजे पासे बैंस दे इल्जाम लगाउण वाली पीड़ित औरत ने पत्रकारां नाल गलबात करदे होए कहा कि उस नूं अदालत वल्लों इंसाफ दित्ता गया है, पर पुलिस वल्लों अजे तक कोई भी FIR नंबर लॉन्च नहीं किया गया। उन्हां पुलिस दी कारगुजारी नूं ढिल्ली दसदिआं कहा कि ਉਹ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ?
सर सैटिस्फाइड हाँ क्योंकि कानून दे अदालत ने मैनू इंसाफ दिता है ऑर्डर करे है पुलिस को तो हम हजे भी पुलिस ने FIR नंबर लॉन्च नहीं करे तो पुलिस की कार्यगुजारी तुम दे सकते हो कि ढिली है आम लोगों ने कितों इंसाफ मिलेगा सर नालों नाल कार्रवाई होनी चाहिए इस बंदे नूं नहीं तो मैं गर्दन तो पकड़ के मैं लैके आऊँगी इनू बाहर इन्हें तो मैंने सड़क पर बिठाया से हूँ इनू मैं सड़क पर बिठा है FIR दी सर होएगा क्योंकि ये लोगों का डर चक्या जाऊगा और भी लोग आएंगे जिन्होंने इन्हें सताया बड़ी दुनिया जी इस बंदे ने सताई हुई है सर आप क्यों लीए नाम किसी का जब अगले कहें कि साड़ी बदनामी हो रही है हुण मैं भी तो बहुत कुछ झेलिया आ तो मैंने हुण जाके इंसाफ मिले लोग कि बाहर आऊगा दसो जब कानून साथ ही नहीं दिता है अदालत ने साथ दिता अदालत ने ऑर्डर करे अजे भी FIR नंबर लॉन्च नहीं करे पुलिस ने पुलिस की कार्यगुजारी तुम देख सकते हो कि ढिली चल रही है पुलिस अंडर पोलिटिकल प्रैशर है क्यों चल रही है अंडर पोलिटिकल प्रैशर पुलिस ने अपनी कार्रवाई का काम का अपनी जिम्मेवारी तो नहीं भजना चाहिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए सी साढ़े पांच महीने मेरे ता ही इतने लगे है सर हाँ जी सर उस तो बाद मैं धरना चुकूंगी ये अरेस्ट होने की वेट करूंगी जल्दी से जल्दी पुलिस इन्हें अरेस्ट करेगी दस दी कि पिछले काफी समय तो इस औरत वालों बैंस खिलाफ केस दर्ज करवाने लिए संघर्ष किया जा रहा है पीड़ित औरत वालों बैंस के उत्ते जबर जनाह के गंभीर इल्जाम लगाए गए ने इस मामले च हुण अदालत वालों पुलिस न तुरंत बैंस खिलाफ केस दर्ज करने लिए कहा गया है फिलहाल इस मामले च अजे तक सिमरजीत बैंस और पुलिस प्रशासन का कोई भी बयान सामने नहीं आया है लुधियाना तो लखविंदर सिंह पंजाबी लोक चैनल।